पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी निर्यातक के चालक को कोतवाली पुलिस ने बुधवार दोपहर अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि तथ्यों और पीड़िताओं के बयान के आधार पर जल्द आरोपी निर्यातक को गिरफ्तार किया जाएगा। मझोला थाना क्षेत्र के मिलन विहार निवासी और भाजपा महिला मोर्चा की महानगर महामंत्री हेमा खत्री ने पुलिस को बताया था कि 13 नवंबर की शाम 7 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम से घर लौट रही थी। रेलवे स्टेशन के पास हमने देखा कि एक व्यक्ति अपनी लग्जरी कार में 3 बच्चियों को बैठा रहा था। उन्होंने आरोपी को गाड़ी समेत पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम लोक बहादुर बताया था। मूल रूप से नेपाल निवासी लोक बहादुर कटगढ़ क्षेत्र में रहता है और यहां एक निर्यातक का चालक है। इसके अलावा बच्चियों ने पूछताछ में बताया था कि चालक हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले जाता है और वहां हमें अश्लील वीडियो दिखाता है, इसके बाद हमें नशा देकर हमारे साथ सोता है। बच्चियों ने अपने साथ गलत काम किए जाने की बात कही थी। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामूली धाराओं में केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे खड़े खड़े जमानत मिल गई थी। मीडिया में जब इस बात को तेजी के साथ प्रकाशित किया गया तो इसके बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक और उसके मालिक के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी चालक को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पॉक्सो कोर्ट प्रथम की अदालत में पेश किया गया। हम लोग 13 तारीख को अपना कार्यक्रम था, हम लोग का कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम जो पंचायत भवन में होना निश्चित हुआ था, हम उसी की समीक्षा कर रहे थे। हमारी पूरी टीम थी महिला मोर्चे की, और जब हमने देखा स्टेशन के पास हम लोग पहुँचे हैं तो उससे पहले ही हमने देखा एक लग्जरी गाड़ी में एक व्यक्ति बच्चों को बैठा रहा था, और वो बच्चे भीख मांगने वाले थे। तो हमारे महिला मोर्चा अध्यक्ष हमारे साथी बोली, हेमा जी देखिए ये क्या हो रहा है, ये लगता है कि बच्चों को कहीं लेके जा रहा है। हमें मतलब शक्सा हुआ, हमने वहाँ गाड़ी को रोका भागते हुए, और वो गाड़ी को भगा रहा था। पब्लिक के सहायता से और हम लोगों की जो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता थे उनकी वजह से हमने गाड़ी को रोक लिया, और उससे पता चला वो बच्चों ने बयान दिया कि ये हमारे को रोज ले जाता है और क्या नाम है, हमें नशा देता है और वीडियोस दिखलाता है, हमारे संग गलत कार्य करता है, वीडियो दिखलाता है। मतलब कुल मिलाकर एसएसपी साहब से क्या बातचीत की बात, उनके संज्ञान में यही मामला डाला गया कि जो मामूली सी धाराएं थी उससे हम लोग खुश नहीं थे कि ये गलत कार्य आगे मतलब पनपे ना, है ना, और पूरा संज्ञान ली जाए। जबकि एसपी साहब ने, पुलिस स्टाफ ने बहुत सहयोग किया और दोबारा गिरफ्तार कर उसके जेल भेज दिया गया। कुछ महिलाएं जो एनजीओ या सोशल वर्कर्स भी थी, वो थाना कोतवाली पर आकर एक तहरीर उन्होंने दिया कि पिछले दिनों रेलवे स्टेशन के पास जो बच्चे वहाँ रहते हैं, एक लग्जरी गाड़ी जो वहाँ पे थी और वो बच्चों को गाड़ी में बैठा रही थी, और इन लोगों ने उन बच्चों को बरामद किया था, और बच्चे ने ये बताया कि प्रतिदिन जो है ये यहाँ आते हैं, इन लोगों को कुछ खाने पीने का सामान देकर इनसे जान पहचान भी है, और इनको लेकर जाते हैं और इनके साथ गलत काम भी करते हैं। इस सूचना को तत्काल अभियोग दर्ज करते हुए और उस व्यक्ति की पहचान कराते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि ये प्रकरण संवेदनशील है और रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसहारा टाइप के हैं, तो उन सभी की शिनाख्त के लिए एएसटीयू की टीम, थाना कोतवाली की टीम और एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में लगा दी गई हैं, और उन बच्चों को बरामद करते हुए, उनको पहचान करते हुए, उनको सीडब्ल्यूसी के समक्ष उनके बयान कराए जाएंगे और उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और बाकी छानबीन चल रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।